આવું જોઈએ. કે એક વ્યક્તિ સે આપકો મે મિલાતા હુ ઇન્હોને યહા પર સત્યમેવ જયતે કા સિમ્બોલ અપને ડોન્ટ આસ્ક મી હુ આઈ એમ ડોન્ટ આસ્ક મી હુ આઈ એમ આઈ એમ ઇન્ડિયન. ચલે બહોત ખુશી ભી આપકે ઇસ પે કાફી જોશ જોશ કે સાથ તો સબસે પહેલે વહી બાત હે કે હાઈ ઇઝ ધ જોશ સર હાઈ સર હાઈ સર હાઉ ધ જોશ હાઈ સર હાઉ ધ જોશ હાઈ સર કાર્યક્રમ શરૂ હોના હૈ થોડી દેર કે બાદ પ્રધાનમંત્રી મોદી યહાં પર આયેંગે હમ એક બાર ફિર અપને દર્શકો કો દિખાતે હૈ વો મંચ જહાં પર પ્રધાનમંત્રી મોદી અભી આયેંગે ઓર ભારતીય સમુદાય કે લોગો સે સંબોધિત કરેંગે અભી જો આપ દેખ રહે હૈ યહાં કા નજારા દરસલ એક એક કરકે લોગો કો યહાં એન્ટ્રી કરાઈ જા રહી હૈ સુરક્ષા જાંચ કે બાદ લોગો કો અંદર કરાયા જા રહા હૈ બહોત સારે લોગ અભી બહાર મે હૈ ઓર ઇસ તરીકે સે કાર્યક્રમ જબ શરૂ હોગા જબ પ્રધાનમંત્રી મોદી યહાં મૌજૂદ હોગે હમે ઉમ્મીદ હૈ કે જરૂર હમ મિની હાઉડી કાર્યક્રમ યહાં દેખ પાયેંગે. હાલાંકિ ઇસ સ્ટેડિયમ કી જો કેપેસિટી હૈ વો બહોત કમ હૈ કુલ 6 से 8 हजार લોગ યહાં બેઠ સકતે હૈ. મેં આપકો બતાઉં કે એક સમય મેં યહાં પર કાફી લોગ બેઠતે થે લેકિન ફિર ઇસ સ્ટેડિયમ કો છોટા કર દિયા ગયા થા ઓર ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ બનાયા ગયા થા. તો ઇસ સ્ટેડિયમ મેં થોડી દેર કે બાદ પ્રધાનમંત્રી મોદી ભારતીય સમુદાય કે લોગો કો સંબોધિત કરને વાલે હૈ. એક ઓર નજારા હોગા જબ હમ દેખેંગે કે ભારત ભૂમિ સે બહાર જબ પ્રધાનમંત્રી માં ભારતી કે સપૂતો કે સાથ બાતચીત કરેંગે. જી જી હા બિલકુલ. દેખીએ સબસે પહેલે તો હમ અપને દર્શકો કો બતા દે કે યે કાર્યક્રમ બેંગકોક કે સમય અનુસાર 7:30 બજે સે શરૂ હોના પ્લાન કિયા ગયા હૈ. યાની કે ભારતીય સમય કે અનુસાર શામ કે 6 બજે સે યે કાર્યક્રમ શરૂ હોગા ઓર ઉસી કે લિયે અભી ચૂંકિ 2-3 ઘંટે લગેંગે યહાં પર લોગો કો સીટ પર બિઠાને મે તમામ તરહ કે અરેન્જમેન્ટ કરને મે ઓર યહી વજહ હૈ કે યહાં પર જિસ સમય યે કાર્યક્રમ શરૂ હોના હૈ ઓર જાહિર હૈ લોગો કા એક્સાઇટમેન્ટ તો હૈ ક્યોંકિ વો લોગ અપને પ્રિય નેતા કો યહાં પર દેખને વાલે હૈ. ये बताइए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो भारत का मान बढ़ा है पूरी दुनिया में, आप लोग किस तरह से देखते हैं? पहले हम लोग अपने आप को भारतीय कहने में शर्माते थे, आज हम चीना तोल के बोलते हम भारतीय हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम. ये सब सिर्फ पीएम मोदी की वजह से हुआ है. मातरम वंदे मातरम. सोने की चिड़िया भारत को वापस उस मुकाम पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी. ये इसमें तो ये बात तो सही है कि अच्छा तो ये लगता ही है कि जब आप भारत भूमि से बाहर रहते हैं, विदेशी धरती पर रहते हैं और वहाँ भारत माता की जय के नारे लग रहे हो, वंदे मातरम के नारे लग रहे हो और लोगों का उत्साह वाजिब है क्योंकि लोग यहाँ पर मौजूद हैं अपने प्रिय नेता से मिलने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए. जब मोदी जी यहाँ आएंगे, आपसे बात करेंगे, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि किस तरीके की बात प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे, क्या कुछ सुनना चाह रहे हैं आप लोग? हम अच्छा ही सुनना चाह रहे हैं भाई, हमारे लिए भी कुछ करें यहाँ पे, थाईलैंड के लिए भी यही वो सोच रहे हैं हम लोग. आसियान में जो आ रहे हैं वो आके चाइना के ट्रेड वॉर की जो सिचुएशन चल रही है वैसी सिचुएशन आगे इंडिया में नहीं आए. इंडिया में जो चाइना अपना एंटी डंपिंग माल भेजना चाहता है उसकी टैक्सेस वगैरह सब और बढ़ा के इंडिया के लोकल प्रोडक्ट को बढ़ाए और इंडिया के मर्चेंट को, इंडिया के मीडियम क्लास व्यापारी का उससे बहुत भला होगा, जिसका प्रयास मोदी जी कर रहे हैं. इसीलिए उन्होंने बहुत सही कहा आपने, आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो इंटरव्यू दिया है बैंकॉक पोस्ट को, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि आसियान कंट्री के साथ हमारा व्यापार का जो असंतुलन है. बिल्कुल सही बोले. देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ दो मुख्य चुनौती है जब प्रधानमंत्री मोदी आसियान सम्मेलन में भाग लेने आए हैं, कि ये जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, भारतीय समुदाय के लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो इनके पास अपॉर्चुनिटी है, तो कैसे आसियान कंट्री के लोग उन्हें बराबरी का मौका दे, क्योंकि भारत केवल एक बाजार नहीं है, भारत एक ऐसा जगह है जहां पर कि आसियान कंट्री के लोग यहां पर निवेश कर सकते हैं. और आप देखिए जहां जहां TV9 भारतवर्ष का कैमरा जा रहा है वहां पर लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग काफी खुश हैं, लोग काफी इस बात को लेकर ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं. और निश्चित तौर पर ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर के बाद आप लोगों के सामने होंगे, सोचा था ऐसा? नहीं, कभी भी नहीं. बहुत एक्साइटेड है हम सब. We are very excited. It's going to be an opportunity for us to see him this live. सर क्या सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से आप लोग? जिस तरीके से देश का मान बढ़ा है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार में, दुनिया भर में भारत का मान बढ़ा है, आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं इसको लेकर? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. कुछ हो एक तरफा नहीं चलेगा कि आसियान के सदस्य देश चाहते हैं कि भारत को एक बाजार के तौर पर उन्हें मुहैया कराया जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत की जो कुशलता है जिन क्षेत्रों में, जब तक वो क्षेत्र चाहे चीन हो,
थाईलैंड हो, मलेशिया हो, कंबोडिया हो, ब्रुनेई हो, वियतनाम हो, तो ये तमाम देश जब तक भारत के लिए वो संभावनाएं नहीं खोलेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी जो अपना भारत से जब वो बैंकॉक के आ रहे थे तब भी उन्होंने यही बात कही थी कि हमारी कोशिश होगी कि हम आरसेप नेगोशिएशन में वो सब हासिल कर सके जिससे भारत का भी फायदा हो और आसियान का भी फायदा हो। और जाहिर है कि ऐसी स्थिति में अगर वो नेगोशिएशन सफल होती है तो आसियान क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों को भी फायदा होगा और भारत से आसियान में व्यापार करने वाले लोगों को भी फायदा होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी का यही मकसद है। यहाँ पर अगर आप देखें तो भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बात करके दरअसल वो उनके लिए एक तरह से आप कहें कि सम्मान प्रदान करने वाले हैं, ये लोग आगे बढ़े क्योंकि एक ऐसा मार्केट जहाँ पर इनकी अपनी एक विशेषता है, एक स्पेशलिटीज है, तो वहाँ भारत के लिए संभावनाएं तलाशने की कोशिश कर प्रधानमंत्री मोदी। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि आसियान के साथ हमारा ट्रेड डील ऐसा हो जिसमें विन विन सिचुएशन हो, आसियान भी आगे बढ़े, भारत को भी आगे बढ़े। देखिए, इसके पहले भी बहुत सारी बातें हो चुकी थी इस विषय में, लेकिन आज मौका ऐसा आया है, आज आकर के हो सकता है नरेंद्र मोदी जी इस विषय में चर्चा करें और इसको लेकर के कुछ आगे बढ़ाएं कार्यक्रम। काफी उम्मीदें हैं आप सबको कि जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है। बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ मुलाकात हो गया मोदी से। भारत वर्ष पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बैंकॉक के इंडोर स्टेडियम का हाल। बैंकॉक के इंडोर स्टेडियम के चप्पे चप्पे से हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में आप लोगों के सामने होंगे, तो जिस नेता को आप अब तक टीवी पे देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, जब वो आपसे बात करेंगे पर, तो मतलब क्या कुछ आप लोगों ने उसके लिए सोच रखा है? We are very excited. अभी कुछ सोचा तो नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछेगा तो उस समय डिसाइड कर लेंगे। क्या उम्मीद है आप लोगों को इस कार्यक्रम से? बहुत उम्मीद है मोदी से। I love मोदी। 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 मोदी।